सो व्हाट्स अप गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो ये 10B 8B 6B या चारकोल पेंसिल्स होते हैं उन्हें कैसे शार्प करें, क्योंकि नॉर्मल अगर हम शॉर्पनर से इनको शार्प करते हैं तो इनका लेड ब्रेक हो जाता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि इन्हें कैसे शार्प करें कटर से और शॉर्पनर का इस्तेमाल करके। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ जो इनसे हम शार्प करेंगे वो पेंसिल्स कैसी होंगी। सो गाइस, ये वोरिसन की पेंसिल्स है, जैसे ये 8B है गाइस, ये मैंने अच्छे से शार्प कर रखी है। और भी मैं आपको और भी दिखाता हूँ गाइस, ये गाइस 12B है, तो गाइस ऐसे हम पेंसिल को शार्प कर सकते हैं बिल्कुल अच्छे से। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ अभी कैसे कर सकते हैं। सो गाइस, उसमें तो मैंने सारे हाई ग्रेड्स की पेंसिल शार्प कर रखी थी। मेरे पास कुछ ये अप्सरा की पेंसिल्स है, नॉर्मल वाली चीप वाली, ये है गाइस 6B और ये है दोनों 10B। तो इनमें से मैं आपको ये 6B और 10B को शार्प करके दिखाऊंगा अच्छे से। तो इसके लिए आपको क्या लेना है, एक ऐसा डिब्बा या कुछ भी डस्टबिन वगैरह ले लेना है और कटर लेके पेंसिल को यहाँ से शार्प करना है ऐसे जैसे मैं कर रहा हूँ। ऐसे ही गाइस शार्प करना है। फिर ऐसे शार्प करके गाइस हमें क्या करना है, शॉर्पनर लेना है, वो शॉर्पनर में ऐसे लगा के बस पेंसिल को जैसे हम नॉर्मली शार्प करते हैं वैसे ही शार्प करना है। सो गाइस, आप देख सकते हैं कोई भी लेड ब्रेक नहीं हुआ, और ये 6B पेंसिल है, मैं 10B भी करके दिखाऊंगा, कोई भी लेड ब्रेक नहीं हुआ और पेंसिल से अच्छे से मैं लॉन्ग पॉइंट भी मिल गया और काफी अच्छे से शार्प हुई पेंसिल। और सो गाइस, ये जो ग्रेफाइट पाउडर हमारा बचता है इसको आप अपने किसी भी कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं, बाद में ये शेडिंग में काम आएगा। अब गाइस मैं आपको 10B भी शार्प करके दिखा देता हूँ ऐसे ही, 10B के साथ भी सेम प्रोसेस करना है गाइस। ये मेथड मैं इसलिए बता रहा हूँ गाइस क्योंकि जो नॉर्मली हम शार्प करते हैं उनसे तो लेड ब्रेक होता ही होता है, बस कुछ ही चांसेस ऐसे होते हैं जिनसे लेड ब्रेक होने से बच जाता है, पर मेनली मोस्टली तो लेड ब्रेक होता ही है। ऐसे ही गाइस हम इसको शार्प कर लेंगे अच्छे से, इसकी वुड को उतार लेंगे, और जब ऐसा लेड बच जाता है तो शार्पनर लेके इसको ऐसे शार्प कर लेंगे।
10B पेंसिल, सॉरी 8B गाइस, इसलिए इनका लेड इसलिए टूटता है क्योंकि ये पेंसिल्स जो है काफी सॉफ्ट होती हैं, और सॉफ्ट होने के कारण इनका लेड ब्रेक हो जाता है। पर इस मेथड से अगर आप अपनी पेंसिल्स को शार्प करते हैं तो कोई भी लेड ब्रेक नहीं होगा। ऐसे गाइस ये 10B भी शार्प हो गए और बिल्कुल शार्प पॉइंट हमें मिल जाता है। और ये जो इसका भी ग्रेफाइट पाउडर है, इसे भी हम स्टोर कर लेंगे। ग्रेफाइट पाउडर से भी गाइस हम ब्लेंडिंग कर सकते हैं अच्छी से। ये गाइस देखो, ये 6B और 10B, ये दोनों अप्सरा की पेंसिल्स अचीव वाली, और दोनों मैंने अच्छे से शार्प करके दिखा दी। सो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा और अच्छा सा नीचे कमेंट करिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।